स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता दी, सुप्रभात सभी को। बस यहाँ पे सुबह सुबह थोड़ा कम्बल दे देती हूँ। कम्बल नहीं है, ये एसी वाला पतला कम्बल है, इसको थोड़ा दे देती हूँ जो हवा लग जाए या धूप लग जाए इसीलिए। और इधर मैं बच्चों के नाश्ता में लगी हुई हूँ, तो नाश्ता बना दे रही हूँ, अभी टाइम है, चलिए नाश्ता बना देती हूँ। और इधर हर्ष नहा धो के आ गया है, पूजा कर रहा है, और शशि चला गया नहाने के लिए, कपड़ा भी रखा हुआ है, नहा के आएगा तब वो पूजा कर लेगा, उसके बाद नाश्ता करके फिर स्कूल जाना है। तो आज मैं लेके जाऊंगा बस तक चढ़ाने के लिए लोगों, नीतू आज यहीं रहेगी, घर काम है। और इन लोगों का वाटर बोतल रख देती हूँ, लंच तो अभी बनी ही है, लंच जब बन जाएगी तब रख दूंगी, पहले वाटर बोतल रख देती हूँ। और दोनों भाई के वाटर बोतल के पीछे मैं नाम लिख दी हूँ इसलिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है जो दोनों पानी पूरा पी के आता है कि नहीं आता है। और इधर हर्ष देखिए पढ़ने बैठ गया, क्योंकि इसको इसका 5 तारीख से पेपर है दोनों भाई का, इसका पहला दिन ही मैथ है, तो बस ये मैथ बनाने के लिए बैठ गया है। शशि भी आ गया नहा के और ये पूजा करने जा रहा है, और मैं चला जा रहा हूँ नहाने के लिए। शेविंग तो कर लिया था सुबह उठते ही, फ्रेश होने के बाद अब मैं नहा लेता हूँ, फिर पूजा करके तब बच्चों को लेकर चले जाना है ऊपर मेन रोड पे। बस आ गई है, हम लोग भी आ गए हैं लेफ्ट साइड, और बस आ गई, आज 9:05 पे आई है, भीड़ है काफ़ी है, चढ़ जाओ आराम से जाओ, चढ़ जाएगा, चढ़ चलो 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 अंदर चलो 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 जाओ, घुस जाओ अंदर, चले जा, चलो चलो। बस में काफ़ी भीड़ है आज, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और मैं भी अब जा रहा हूँ वापस। रात तो फिर काफ़ी धूप हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप है, और देखिए दूसरे साइड आ रही जो बगीचे लगे हैं ना, कितनी हरियाली दिख रही है, देखने में मन प्रसन्न हो जाता है एकदम, हरियाली, धूप की चमक बहुत ज़्यादा है आज। चलिए मैं भी अब चल रहा हूँ, फिर रिपोर्ट वगैरह भी भेजना होता है प्लांट से, उसके बाद घर जाएंगे। आज मेरी 20 शिफ्ट है, 3 बजे से रात के 8 बजे तक। चलिए मैं चल रहा हूँ अब घर की तरफ, मैं भी बच्चों को छोड़ने के बाद रिपोर्ट तो भेज दिया था, और इधर ये तो भी नहा धो के इस बीच में पूजा कर ली है। चलिए मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे कुछ। टाइम रियल हो गया 9:30। कितना हो गया? 9:30। 9:35। 9:35, 10 मिनट ये घड़ी पास है, बस सारा काम मेरा खत्म। चलिए ठीक है, चाय चढ़ा लीजिएगा। हम लोग खाना वगैरह खा के चल दिए बाज़ार के लिए, क्योंकि नीतू को छोड़ के बाज़ार में, और मैं वापस आ जाऊंगा। आज से बच्चे नीतू ही लेके आएंगे करीब 4-5 दिन, और मेरी तो शिफ्ट है 3 बजे की, मैं फिर राशन भी लेके आना है, तो मैं आ जाऊंगा तुरंत, और नीतू रह जाएगी। चलिए चलते हैं, हम लोग ऊपर आ गए हैं मेन रोड के पास, नीतू भी आ गई है, चले बैठिए। और मैं तो आ गया था बाज़ार से, बाल भी बनवाना था, बाल बनवा लिए हुए हैं, उसके बाद बाल फिट होना था, तो सब करके मैं फिर नीचे ड्यूटी भी आ गया, राशन वगैरह भी कुछ लाना था घर के लिए, तो वो सब ले आए हैं, घर में रख दिए हैं, और तुरंत मैं ड्यूटी आ गया, चूँकि समय होती थी, और नीतू तो बच्चों के लिए आएगी, अभी समय है, अभी तो 3:30 हुआ है, बस जाएगी, तो बस से या कोई लिफ्ट अगर मिल जाए तो किसी भी तरह से वो आ जाएंगे। और मेरे पीछे देखे एप्पल का पेड़, एप्पल काफ़ी बड़ा हो गया है, और हरियाली भी कितनी अच्छी लग रही है पीछे। तो चलिए अब बच्चे सब कब आते हैं देखते हैं, वेट करते हैं। और बच्चे आ गए नीतू के साथ, चलो अब तो हवा भी चल रही है, अब मस्त ठंडी हवा, हाँ धूप तो आज बहुत थी।
पीछे कर वजन है जाओ आराम से चले जाना, ड्रेस चेंज करके नाश्ता पानी करके और एग्जाम की तैयारी करना। लेस खुल गया क्या? ठीक कर लेना उसको। चलो चाबी दे रहे मम्मी को। तेज आंधी चल रही है, अचानक से बहुत तेज आंधी आ गई है। ये सब झुक गया पूरे एकदम, देखिए ऊपर में तो धूल ही धूल है, बहुत तेज आंधी आ गई है, अचानक से बादल भी गिर गया है, पूरे पत्ते कुछ उड़ रहे हैं हवा में। ये देखिए धूल का गुबार, अरे बाबा तो चक्रवाती है जैसे लग रहा है एकदम आंधी। डाली सब ये टूट टूट के नीचे गिरी है, खट की तरफ इतनी तेज आंधी है, आवाज भी काफी आ रही थी। में आवाज आ रही है एकदम, देखिए देखिए देखिए, ओह वाह बहुत तेज है, और हल्की हल्की बारिश होने लगी है। इधर इतनी तेज आंधी चलते हैं, मेरी लाइट भी कटी हुई है प्लांट की, आपस में तार कहीं सट रहे होंगे इतनी तेज में आंधी की वजह से। देखते हैं लाइट आती है या क्या, हवा शांत हो जाए तो फिर फोन करेंगे पता करेंगे। हल्की सी बारिश होने के बाद अभी बंद हो चुकी है और लाइट भी लगभग डेढ़ घंटे कटी थी, सवा घंटे से डेढ़ घंटे के लगभग, तो लाइट भी अभी आ गई है और मशीन अब चल रही है, चला दिया वो मशीन। और मैं भी ड्यूटी से आ गया और इधर खाना भी निकल चुका है, बच्चे भी आ गए पढ़ाई करके और खाना भी ले गए, नीतू भी आ गए, पानी दे रही सबको। तो चलिए हम लोग खाना अब खा लेते हैं। हम लोग का तो हो गया खाना, डुबू के इंतजार में बैठी हूँ, वो खा रहा धीरे धीरे खा रहा है खाना। और आज तो एक घंटा लग गया, लोगों छुट्टी होने के बाद भी एक घंटा लग गया था, वहाँ पे रुकना पड़ा था क्योंकि ना लिफ्ट मिल रही थी ना बस आ रही थी। और घर आते आते ही इतनी तेज आंधी बारिश लगी जो दो मिनट के लिए हम लोग बच गए, नहीं तो वही आंधी बारिश में हम लोग वहीं फंस जाते हैं। तो चलिए घर तो पहुँच गए थे और जल्दी खा लो डुबो। और चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से दूसरे वीडियो में। शुभ रात्रि।